हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन इंजीनियर्स। तो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं, हमारे जो FCI का पेपर हम डिस्कस कर रहे थे पिछले वीडियोस में, तो इस ये हमारा जो FCI का 2015 का पेपर है, तो इसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसका पेपर नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें 120 क्वेश्चन हैं और जिसमें से पहले पार्ट में हमने फर्स्ट 60 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम अगले 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ओके, जो कि होंगे 181 से लेके 240 तक। ओके, तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके अलावा आप हमें जो हमारे इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसका नाम जो है ब्रेन इंजीनियर्स है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 181। ओके, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन आज का। नंबर ऑफ स्टेमन्स इन ग्रीन ग्राम इज, तो क्वेश्चन नंबर 181 है, तो नंबर ऑफ स्टेमन्स पूछे गए हैं। स्टेमन्स क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और ग्रीन ग्राम में पूछा गया कितने नंबर ऑफ स्टेमन होते हैं। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है एक ये, और उसके ऊपर एंथर्स लगे होते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ स्टेमन इन ग्रीन ग्राम इज 10, तो 10 स्टेमन होते हैं ग्रीन ग्राम में। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ग्रीन ग्राम को और क्या बोला जाता है नॉर्मल, तो मूंग बीन आपने सुना होगा, मूंग बीन, तो ये ग्रीन ग्राम का नाम है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 182। पिचर प्लांट इज, तो पिचर प्लांट क्या है, क्या काम करता है? दैट इज इंसेक्टिवोरस होता है, ये इंसेक्ट्स को खा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 183। द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज, न्यूक्लियस की डिवीजन को क्या बोलते हैं? दैट इज कैरियोकाइनेसिस। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी आया था, तो कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 184। ड्यूरिंग माइटोसिस द सेंट्रोमियर डिवाइड्स एट, ओके, तो सेंट्रोमियर है जो कहाँ पे डिवाइड होता है, कौन सी स्टेज पे? तो जो माइटोसिस है उसकी 4 स्टेजेस होती हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। जो थर्ड स्टेज है एनाफेस, वहाँ पे जाके हमारा सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 185। मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग वेस्कुलर प्लांट्स आर, तो सबसे प्रिमिटिव जो लिविंग वेस्कुलर प्लांट, वेस्कुलर प्लांट क्या होता है जिसमें जाइलम और फ्लोइम प्रेजेंट हो। ओके, जाइलम और फ्लोइम प्रेजेंट होता है उसको वेस्कुलर प्लांट बोलते हैं। और मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग वेस्कुलर प्लांट कौन सा है? दैट इज फर्म्स। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 186। मूवमेंट ऑफ प्लांट्स आर नॉट अफेक्टेड बाय, तो जैसे यहाँ पे हमारा आंसर हो गया वाटर, और जैसे प्लांट्स में, बहुत सी प्लांट्स में क्या होता है, डिफरेंट प्लांट में टेम्परेचर, लाइट और केमिकल जो कई फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो है प्लांट्स में कुछ ना कुछ मूवमेंट होती है, लेकिन वाटर उनमें से एक नहीं है, तो वाटर यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 187। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय विंड इज नोन एज, तो जो सीड का डिस्पर्स होना विंड की वजह से उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज एनीमोकोरी। ओके, एनीमोकोरी इज द राइट आंसर। ज़ूकोरी क्या होता है? जैसे एनिमल्स की वजह से जो होता है, एनिमल्स की वजह से जो डिस्पर्सल होता है उसको ज़ूकोरी बोलते हैं। ऑटोकोरी क्या है? अपने आप जो है सीड जो है बर्स्ट होता है और जो है वो दूर तक फैल जाता है, तो उसको ऑटोकोरी बोलते हैं। और हाइड्रोकोरी में क्या होता है कि वाटर की वजह से, हाइड्रो मीन्स वाटर, तो वाटर की वजह से जो डिस्पर्सल होगा उसको हाइड्रोकोरी बोलेंगे हम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 188। सेकेंडरी ग्रोथ डज नॉट अकर इन, तो सेकेंडरी ग्रोथ इनमें से किस में नहीं होती? दैट इज मोनोकॉट प्लांट्स में। ओके, जो मोनोकॉट प्लांट्स हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 189। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फूड पॉइजनिंग ऑर्गेनिज्म, तो फूड पॉइजनिंग करने वाला ऑर्गेनिज्म क्या, कौन सा है? देखिए क्लॉस्ट्रिडियम बॉटलिनम जो है ऑप्शन नंबर 2, तो ये जो है बैक्टीरिया है जो किसी भी अगर फूड में प्रेजेंट होगा तो वो फूड पॉइजनिंग करेगा। ओके, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 190। इन राइस ग्रेन द एंडोस्पर्म इज, तो राइस ग्रेन में जो एंडोस्पर्म है वो किस पार्ट को बोलेंगे? दैट इज स्टार्च पोर्शन। तो स्टार्च के फॉर्म में जो है फूड स्टोरेज होती है एंडोस्पर्म में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 191। क्रॉप इन विच अपर रूट पोर्शन इज यूज इन सीड प्रोडक्शन, तो सीड प्रोडक्शन के लिए जो रूट का अपर पोर्शन यूज किया जाता है, तो वो कौन सी क्रॉप है? दैट इज टर्निप।
ऑप्शन टू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 192, क्रॉप इन्फेक्टेड बाय कर्नल बंट इज। तो कर्नल बंट डिसीज जो है एक डिसीज है ये, तो ये कौन सी क्रॉप का डिसीज है, दैट इज वीट। और इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म की बात करें अगर हम, तो वो है टिलेशिया इंडिका। ओके, कॉजल ऑर्गेनिज्म आप जरूर याद कर लीजिएगा, तो टिलेशिया इंडिका है इसका। इसके अलावा एक और यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकते हैं, कर्नल बंट है, एक होता है हमारा कर्नल स्मट। ओके, तो कर्नल स्मट किस क्रॉप का डिसीज है, दैट इज द राइस। कर्नल स्मट है राइस का, कर्नल बंट है वीट का। ओके, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 193, व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम फॉर्म सेपरेट बंडल्स दे आर कॉल्ड। तो जब जाइलम और फ्लोएम जो अपने अपने डिफरेंट जो है सेपरेट बंडल्स बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज रेडियल वेस्कुलर बंडल। तो ऑप्शन वन रेडियल वेस्कुलर बंडल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 194, कैम्बियम इज मोर एक्टिव ड्यूरिंग। तो कैम्बियम क्या है, जो वुडन पार्ट होता है स्टेम में, तो उसको कैम्बियम बोलते हैं हम। ओके, तो ये सबसे ज़्यादा एक्टिव कब होता है, दैट इज कौन से सीजन में, दैट इज इन स्प्रिंग सीजन। ओके, तो ऑप्शन थ्री इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 195, अगार इज ऑब्टेंड फ्रॉम। तो अगार क्या है, अगार एक मतलब एक जो है मीडिया भी यूज़ करते हैं, अगार अगार मीडिया यूज़ किया जाता है इन फॉर ट्राइकोडर्मा, का नाम सुना होगा आपने ट्राइकोडर्मा। ओके, तो ट्राइकोडर्मा बनाने के लिए जो है, ग्रो करने के लिए हम अगार अगार मीडियम यूज़ करते हैं। ओके, तो ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, दैट इज़ फ्रॉम रेड एल्गी। ओके, ऑप्शन वन रेड एल्गी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 196, रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ ग्रीन एल्गी इज। तो ग्रीन एल्गी जो है अपना फूड मटेरियल को रिजर्व किस फॉर्म में करती है, दैट इज इन स्टार्च, स्टार्च फॉर्म में। तो ऑप्शन थ्री इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 197, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आर स्टडीड अंडर ब्रांच। तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की स्टडी को क्या बोला जाता है, दैट इज हर्पेटोलॉजी। ऑप्शन टू हर्पेटोलॉजी इज दी राइट आंसर। इसके अलावा इक्थियोलॉजी किसको बोला जाता है, दैट इज स्टडी ऑफ फिश को। ओके, स्टडी ऑफ फिश को इक्थियोलॉजी बोला जाता है। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को बोला जाता है एंटोमोलॉजी, और सोरोलॉजी जो बोला जाता है ये बोला जाता है स्टडी ऑफ लिजर्ड को। ओके, स्टडी ऑफ लिजर्ड को बोला जाता है सोरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 198, ए प्लांट विच इज अडेप्टेड टू एन एनवायरमेंट डेफिशिएंट इन मॉइस्चर इज। तो जो मॉइस्चर कम मॉइस्चर वाली कंडीशन में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनको क्या बोलते हैं, दैट इज ज़ीरोफाइट। ओके, तो ऑप्शन थ्री ज़ीरोफाइट इज द राइट आंसर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट 199, इन प्लांट द ग्रीन पिगमेंट कैप्चर लाइट एनर्जी बाय फंक्शनल प्रोसेस कॉल्ड। तो ग्रीन पिगमेंट कैप्चर लाइट एनर्जी बाय फंक्शनल प्रोसेस, कौन से प्रोसेस से जो है जो लाइट एनर्जी यूज़ करके ग्रीन पिगमेंट प्रोड्यूस करता है प्लांट, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है एक प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस। तो ऑप्शन टू इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 200, दी रेड कलर इन राइप टोमेटो एंड रेड पेपर इज ड्यू टू। तो टोमेटो में और पेपर में रेड कलर के लिए कौन सा जो पिगमेंट है जो हेल्प प्रोवाइड करता है रेड कलर, दैट इज लाइकोपीन। ओके, तो ऑप्शन थ्री लाइकोपीन इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 201, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल का किस चीज़ से बनी होती है, दैट इज पेप्टिडोग्लाइकन। तो ऑप्शन थ्री पेप्टिडोग्लाइकन इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 202, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन राइजोपस। तो राइजोपस में क्या चीज़ इनमें से नहीं होती, दैट इज सीटा। सीटा एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो ऑप्शन फोर सीटा इज एबसेंट इन राइजोपस। क्वेश्चन नंबर 203, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम गैमेटोफिटिक टिश्यू इज कॉल्ड। तो गैमेटोफिटिक टिश्यू से डायरेक्टली जब स्पोरोफाइट बनता है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दैट इज एपोगैमी। तो ऑप्शन वन एपोगैमी इज द राइट आंसर। तो डेफिनेशन आप जरूर अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन में डेफिनेशन पूछी गई है यहाँ पे, तो डेफिनेशन एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 204, कोरिम्बोस इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन। तो कोरिम्बोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस कौन सी क्रॉप्स में मिलती है, कौन सी फैमिली में मिलती है, यहाँ पे पूछा गया है, दैट इज इन क्रूसीफ्री, दैट इज मस्टर्ड की जो फैमिली है
मस्टर्ड फैमिली क्रूसीफ्री, तो वहाँ पे उसमें कोरिम्बोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 205, विच इज ए सी फोर प्लांट, तो इनमें से सी फोर प्लांट कौन सा है? दैट इज जवार। जवार को हम और क्या बोलते हैं? सौरगम। सौरगम नाम सुना होगा आपने, सौरगम और जवार। जवार जो है ये सी फोर प्लांट है। क्वेश्चन नंबर 206, विच क्रॉप हैव रिलेटिवली हायर रिक्वायरमेंट ऑफ सल्फर, तो कौन सी क्रॉप्स में सल्फर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, कौन सी क्रॉप को ग्रो करने के लिए सल्फर ज़्यादा ज़रूरी है? दैट इज ऑयल सीड क्रॉप्स। तो ऑप्शन 3, ऑयल सीड क्रॉप्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 207, इन विच प्लांट एरेनकाइमा सेल्स आर फाउंड, तो एरेनकाइमा सेल्स जो है वो कौन सी क्रॉप में मिलते हैं? दैट इज इन राइस। और इनका काम क्या है, अगर फंक्शन की बात करें एरेनकाइमा की, तो राइस में आपको पता होगा कि राइस जो है सबमर्ज कंडीशन में लगता है, तो जो भी पार्ट जो है राइस का सबमर्ज है प्लांट उसके नीचे, पानी के नीचे, और उसमें और जो एरियल पार्ट है, दोनों में जब जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना है, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होना है वो एरेनकाइमा सेल जो है उसमें हेल्प करते हैं। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 208, पोटैटो प्लांट बिलोंग्स टू विच फैमिली, तो पोटैटो की फैमिली क्या है? दैट इज सोलानेसी। साइंटिफिक नेम क्या है? सोलानम ट्यूबरोसम। सोलानम ट्यूबरोसम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो एंड फैमिली इज सोलानेसी। नेक्स्ट 209 क्वेश्चन, फ्रूट ऑफ कंपोजिटी इज, कंपोजिटी फैमिली, कंपोजिटी फैमिली एस्टरेसी फैमिली भी बोलते हैं इसको, तो सनफ्लावर, सनफ्लावर की फैमिली है ये कंपोजिटी, तो इसके फ्रूट को क्या बोलते हैं? दैट इज सिप्सेला। ऑप्शन 2, सिप्सेला इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 210, फाइबर ड्राइव फ्रॉम सीड कोट इज, तो कौन सी क्रॉप है जिसमें जो फाइबर मिलता है वो सीड कोट से जनरेट होता है? तो ऑप्शन 3, कॉटन। कॉटन का जो फाइबर है वो सीड कोट से जनरेट होता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 211, विच टाइप ऑफ सॉयल वाटर इज अब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर्स ऑफ द प्लांट, प्लांट में जो रूट हेयर्स हैं, रूट्स पे जो रूट हेयर्स हैं वो कहाँ से जो अब्जॉर्ब करते हैं वाटर को? दैट इज कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर जो होता है वो एब्जॉर्ब करते हैं। बाकी देखिए, हाइग्रोस्कोपिक वाटर तो इतना अवेलेबल होता ही नहीं है, और ग्रेविटेशनल वाटर जो है वो ग्रेविटी की वजह से नीचे जो है लीच कर जाता है, नीचे चला जाता है, और कैपिलरी वाटर जो बचता है वो पोर्स में प्रेजेंट होता है, तो वहाँ से प्लांट्स रूट्स हैं, रूट हेयर्स हैं, वो उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 212 देखते हैं अभी। इफ़ ए सेल लूजेज वाटर व्हेन प्लेस्ड इन ए सोल्यूशन, दिस सोल्यूशन इज, तो जब किसी सोल्यूशन में किसी सेल को हम रखते हैं, अगर वो वाटर जो है लूज कर देता है अपना, अगर लूज कर देता है तो उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन, और अगर वो अब्जॉर्ब करे वाटर तो उसको बोलेंगे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो इसमें डिफरेंस याद रखिएगा, हाइपोटोनिक कौन सा है और हाइपोटोनिक कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 213, विच एलिमेंट इंड्यूसेस डिसीज टॉलरेंस इन प्लांट, तो डिसीज टॉलरेंस कौन प्रोवाइड करता है? दैट इज पोटाशियम। पोटाशियम जो है डिसीज टॉलरेंस प्रोवाइड करता है, तो बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका क्या फंक्शन है, इसके अलावा और भी सभी न्यूट्रिएंट्स हैं, सबका फंक्शन वगैरह वो हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कर देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और साथ में शायद आपको जो हमारे इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ इसमें इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 214, प्लांट्स टॉलरेंट टू हाई सैलिनिटी कंडीशन आर कॉल्ड, तो हाई सैलिनिटी कंडीशन, ज़्यादा सॉल्ट, सॉल्टी वाटर हो, सॉल्टी कंडीशन हो, वहाँ पे जो ग्रो करते हैं प्लांट्स उनको क्या बोलते हैं? दैट इज हेलोफाइट्स। तो ऑप्शन 1, हेलोफाइट्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइस इन्फ्लोरेसेंस इज नोन एज, राइस की इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं? दैट इज पेनिकल। राइस की इन्फ्लोरेसेंस को बोलते हैं पेनिकल, वीट की बोलते हैं स्पाइक। स्पाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 216, पायरीला बिलोंग्स टू, पायरीला पर्पुसिला इसका साइंटिफिक नेम है, पायरीला पर्पुसिला। तो ये कौन सी फैमिली में आता है? दैट इज फुलगोरिडी। फुलगोरिडी फैमिली, और इसको एक और नाम भी है इसका, लोफोपिडी। लोफोपिडी फैमिली भी है और फुलगोरिडी भी है, दोनों दोनों नाम एक ही हैं और परिल्ला की फैमिली है दोनों, तो याद रखिएगा। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 217, तो नाइट्रोजन इज अवेलेबल फॉर प्लांट्स इन फॉर्म ऑफ, तो नाइट्रोजन किस फॉर्म में अवेलेबल होता है प्लांट्स के लिए, दैट इज नाइट्रेट, तो नाइट्रेट फॉर्म में अब्जॉर्ब करते हैं प्लांट नाइट्रोजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 218, गार्ड सेल्स डिफर फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स, गार्ड सेल एपिडर्मल सेल से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है गार्ड सेल में। ओके, तो गार्ड सेल जो है कवर करते हैं ये स्टोमेटा को, ओके, और उसकी ओपनिंग क्लोजिंग में भी हेल्प करते हैं गार्ड सेल। ओके, तो ऑप्शन थ्री क्लोरोप्लास्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 219, प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन में कौन हेल्प करता है, कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, दैट इज साइटोकाइनिन। ओके, सेल डिवीजन के लिए क्या है, साइटोकाइनिन, तो ऑप्शन टू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 220, विच इज ट्रू फॉर टेरिडोफाइट्स। ओके, टेरिडोफाइट्स में इनमें से कौन सी चीज होती है, ओके, ये पूछा गया हमसे, दैट इज ऑप्शन नंबर फोर, फ्लोइम लैक कैंपेनियन सेल, जो फ्लोइम है उसमें कैंपेनियन सेल जो है एबसेंट होते हैं टेरिडोफाइट्स में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 221, प्रिडेटर्स ऑफ प्लांट्स कैन बी कॉल्ड एज, तो प्लांट्स के जो प्रिडेटर हैं उनको हम क्या बोलेंगे, दैट इज हर्बीवोर्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, हर्बीवोर्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 222, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर डिसीज ऑफ अनियन इन इंडिया, अनियन का में मेजर डिसीज कौन सा है इनमें से जो इंडिया में पाया जाता है, दैट इज पर्पल ब्लॉच। ओके, तो ऑप्शन थ्री पर्पल ब्लॉच इज द राइट आंसर, और इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो है एल्टरनेरिया पोराई। ओके, एल्टरनेरिया पोराई इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म फॉर पर्पल ब्लॉच ऑफ अनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 223, इज स्टेम वेजिटेबल इज, तो स्टेम वेजिटेबल कौन सी है इनमें से, दैट इज नोरखोल, तो ऑप्शन टू नोरखोल इज द राइट आंसर। स्टेम वेजिटेबल मतलब इसका जो स्टेम पार्ट वो है वो यूज किया जाता है, ओके, तो इसलिए इसको स्टेम वेजिटेबल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 224, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल इज ए मोनोकॉट, तो मोनोकॉट वो वेजिटेबल कौन सी है इनमें से, तो अनियन जो है ऑप्शन टू, अनियन हमारे यहाँ पे मोनोकॉट वेजिटेबल है, बाकी सारे जो है कैबेज ओकरा मस्कलन डाइकॉट है। ओके, तो अनियन जो है मोनोकॉट है। 222 25, इन साइकस द पॉलन ग्रेन्स एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन अटेन, तो साइकस एक टाइप ऑफ प्लांट है, तो जिसमें जब पॉलिनेशन होती है तो पॉलन ग्रेन्स हैं जो वो क्या बन जाते हैं, दैट इज थ्री सेल स्टेज पे चले जाते हैं। ओके, तो पॉलन ग्रेन जो है थ्री सेल स्टेज पे चले जाते हैं साइकस में, तो ऑप्शन थ्री इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 226, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो जिस पार्ट में जो हमारे राइबोसोम्स अटैच होते हैं उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस पे नहीं होते उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसका काम क्या है, दैट इज फैट सिंथेसिस, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है फैट सिंथेसिस, तो ऑप्शन सी इज दी, ऑप्शन थ्री इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 227, व्हेन ए क्रॉस इज मेड बिटवीन F1 ऑफस्प्रिंग एंड इट्स पेरेंट, तो जैसे ए और बी का क्रॉस किया और सी बन गया, तो जब सी का क्रॉस ए या बी से किसी से भी होगा तो उस क्रॉस को हम क्या बोलेंगे, दैट इज बैक क्रॉस, तो ऑप्शन टू इज द राइट आंसर, बैक क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 228, अर्गट इज एन इम्पॉर्टेंट डिसीज ऑफ, तो अर्गट किस क्रॉप का डिसीज है, दैट इज पर्ल मिलेट, पर्ल मिलेट को और क्या बोलते हैं, बाजरा। ओके, पर्ल मिलेट को बाजरा भी बोला जाता है नॉर्दर्न इंडिया में, और अर्गट अगर देखें हम तो ये फंगल डिसीज है एक, ओके, फंजाई करती है, उसका नाम है क्लेविसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस। ओके, क्लेविसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस फंगस जो है करती है अर्गट डिसीज ऑफ पर्ल मिलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 229, विच वन ऑफ द कुकरबिट्स फ्लावर्स इन द इवनिंग, तो कौन सी कुकरबिट क्रॉप है, वेजिटेबल है जो इवनिंग में फ्लावरिंग होती है जिसकी। ओके, तो ये एक डिफरेंट सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, तो बॉटल गार्ड जो है वो इवनिंग में फ्लावरिंग होती है उसकी, तो ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 230, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल इज एसिडिक इन नेचर, तो एसिडिक नेचर वाली वेजिटेबल कौन सी है इनमें से, दैट इज टोमेटो। ओके, टोमेटो इज द एसिडिक वेजिटेबल, और टोमेटो के साइंटिफिक नेम की बात करें तो वो है सोलेनम लाइकोपर्सिकम। ओके, सोलानम लाइकोपर्सिकम, तो सभी क्रॉप्स का जो है हम साइंटिफिक नेम, आपकी भी पीडीएफ आपको
प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो हमारा चैनल जो है आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 231, ग्रीनिंग ऑफ पोटैटो रिजल्ट्स इन। तो पोटैटो में ग्रीनिंग जब हो जाती है, ग्रीन कलर का हो जाता है अंदर से, तो वो किस वजह से होता है? दैट इज डिक्रीज इन न्यूट्रिशनल क्वालिटी। ओके, तो उससे क्या होता है? तो न्यूट्रिशनल क्वालिटी पोटैटो की वो कम हो जाती है। तो ऑप्शन टू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 232, विप टेल डिसीज इन ब्रासिका इज ड्यू टू। तो ब्रासिका में जो है विप टेल डिसीज है वो कौन करता है? दैट इज किसकी डेफिशिएंसी से होता है, कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से होता है? दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ मोलिब्डेनम। ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर। तो बहुत ही ये पेट क्वेश्चन टाइप से है, ये बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है विप टेल ऑफ ब्रासिका, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 233, ये क्रॉप हैविंग हैविली इन्फेस्टेड विद फ्लेरस माइनस। फ्लेरस माइनस क्या है? एक वीड है। कौन सी क्रॉप का वीड है? दैट इज वीट। वीट का बहुत ही मेजर जो है ये वीड है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 234, खैरा डिसीज ऑफ पैडी इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। खैरा डिसीज किसकी डेफिशिएंसी, कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से होता है? दैट इज जिंक। तो ऑप्शन टू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 235, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट असेंशियल बट बेनिफिशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ। तो कौन सा एलिमेंट है जो असेंशियल नहीं है बेनिफिशियल है? तो 17 हमारे पास असेंशियल एलिमेंट है और 5 जो है वो बेनिफिशियल एलिमेंट है। तो मैंगनीज, आयरन और कैल्शियम तीनों हमारे असेंशियल एलिमेंट हैं, और सोडियम जो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 3 जो कि हमारा राइट आंसर है, वो एक बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 236, साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो इज। तो पोटैटो का साइंटिफिक नेम पूछा गया, बहुत ईजी क्वेश्चन है, दैट इज सोलानम ट्यूबरोसम। ओके, सोलानम ट्यूबरोसम ऑप्शन नंबर 3 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 237, द स्टेम अबव द ग्राउंड इन बनाना इज नोन एज। तो ग्राउंड के ऊपर वाला जो मतलब स्टेम है, ओके, बनाना का स्टेम है, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज स्यूडो स्टेम। तो स्यूडो स्टेम होता है बनाना में। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बहुत से एग्जाम में पूछा गया है पहले भी, तो इसको भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, विच इज स्यूडो स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 238, लिटिल लीफ डिसीज ऑफ ब्रिंजल इज कॉज्ड बाय। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल कौन करता है? दैट इज माइकोप्लाज्मास, MLOs बोलते हैं इसको। माइकोप्लाज्मास जो है वो करता है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 239, ब्राउनिंग इन कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू। तो ब्राउनिंग कॉलीफ्लावर की कौन सा न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से होती है? दैट इज बोरॉन डेफिशिएंसी से। तो ऑप्शन वन बोरॉन डेफिशिएंसी से होता है ब्राउनिंग इन कॉलीफ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 240, कैल्शियम कार्बाइड कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद मॉइस्चर। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। कैल्शियम कार्बाइड जब मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आता है तो क्या बनाता है? दैट इज एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस है एक, तो एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस करता है कैल्शियम कार्बाइड वन जब जब वो कॉन्टैक्ट में आता है मॉइस्चर के। तो ये हमारे यहाँ पे हमने हमारे 240 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए हैं, मतलब 121 से लेके 240 क्वेश्चन जो पेपर 2 में आए थे वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, और ये पार्ट नंबर 2 था हमारा। पार्ट नंबर पहला अगर आपने नहीं देखा तो पहले वो देखिए, उसमें हमने 121 से लेके 180 तक क्वेश्चन किया, और इस वीडियो में 181 से स्टार्ट करके 240 तक कंप्लीट कर दिया इसको। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे जो है टेलीग्राम चैनल को जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।